हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाली चाय की रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिससे कि आपकी चाय फटे नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया है। पानी को आप गर्म होने के लिए रख दें। अब इसमें अदरक, तुलसी के पत्ते और इलायची हम क्रश करके डालेंगे। अब इसे पानी में डाल दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें चाय पत्ती डालें, गुड़ डालें। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक मिनट तक इसे उबाल लें। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को हमें गर्म ही डालना है, ठंडा दूध हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप ठंडा दूध डालते हैं तो चाय फट सकता है, तो इसलिए हमें गर्म दूध डालना है। एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पे इसे आधे मिनट तक पका लें। चाय हमारा बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे एक कप में हम छान लेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है और बहुत ही टेस्टी चाय बनकर तैयार होता है। इसे पीने के बाद आप चीनी वाले चाय को पीना भूल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं चाय हमारी बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।